गोल्डन मैजिकल गोट एंड गोल्डन हाउस। एक दिन राहुल नाम का व्यक्ति अपनी बकरियों को घुमाने के बाद अपने घर ले जा रहा होता है, तभी वहीं पीछे से एक गोल्डन बकरी प्रकट होती है और जल्दी से भागते भागते राहुल की बकरियों के साथ मिल जाती है। वहीं एक पवन सिंह नाम का आविष्कारक अपनी गाड़ी पर आ रहा होता है, वो उस गोल्डन बकरी को देख लेता है। बाद में वो एक साधारण बकरी में बदल जाती है और राहुल को पता भी नहीं चलता। वहीं वो पवन सिंह, ये कैसे हो सकता है, ये सोने की बकरी कहाँ से प्रकट हुई है और एक साधारण बकरी बनकर उस व्यक्ति की बकरियों के साथ चली गई है, इसका पीछा करता हूँ। राहुल जब घर पहुँचता है तो उसकी एक आदत थी कि वो हर रोज अपनी बकरियों को घुमाने के बाद उनको गिनता था। तो राहुल, अरे यहाँ पर तो एक बकरी ज्यादा है, ये बकरी कहाँ से आई होगी। और वो पवन भी वहाँ पर उसका पीछा करते करते राहुल के घर तक पहुँच जाता है। वहीं वो बकरी फिर से अपने असली सोने के रूप में आ जाती है। मुझे यहाँ पर एक चीज की तलाश है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पहले तो राहुल बहुत डर गया था। अरे तुम तो एक जादुई सोने की बकरी हो, और ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे तुम तलाश नहीं कर पा रही हो, और यहाँ पर तुम कैसे आई हो। पवन भी उनकी बातें सुनने लग जाता है। मैं अपनी जादुई दुनिया की रानी थी, लेकिन मुझे अपनी उस दुनिया से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ नहीं थी। हमारी दुनिया में जिसके पास भी ज्यादा शक्तियाँ होती हैं उसी को ही रानी बना दिया जाता है, और अब एक शैतानी बकरी रानी बनकर हमारी उस दुनिया पर राज कर रही है। मैं उसे हटाना चाहती हूँ और दोबारा से मैं ही अपनी दुनिया की रानी बनना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे उस चीज का नहीं बताया जिसे तुम तलाश कर रही हो। जिस चीज को मैं तलाश कर रही हूँ वो एक जादुई मणि है। उस मणि में बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी उस दुनिया को शैतानी बकरी से बचा सकती हूँ। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बाद में वो सोने की बकरी और राहुल एक जगह पर पहुँच कर, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी से शक्तिशाली मणि को ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि वो मणि यहीं कहीं आसपास ही है। चिंता मत करो, मैं उस मणि को ढूंढ कर ही आऊंगा। वैसे राहुल बहुत दूर चला जाता है और अचानक वहीं पर एक शैतानी जादूगर प्रकट होता है। मुझे पता है तुम किस चीज को तलाश कर रहे हो, वो मणि तुम्हें मैं किसी भी सूरत में हासिल नहीं करने दूंगा, वो मणि मेरी है। और उस सोने की बकरी को कैद कर देता है। बाद में वो वहां से गायब हो जाता है और वहां पवन अपनी लैब में एक मशीन बनाता है। वो सोने की बकरी तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं उस शक्तिशाली मणि को तलाश करूंगा इस डिवाइस की मदद से। अगर मुझे वो मणि मिल गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पवन भी उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक जगह पर पहुंचकर, अब इस डिवाइस को ऑन कर देता हूँ, इस डिवाइस से मैं उस मणि तक पहुंच जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। वो शैतानी जादूगर भी उस मणि को ढूंढते ढूंढते पवन जहाँ पर होता है वहीं वो भी आ जाता है। वो जादूगर पवन से, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं, क्या ये डिवाइस उस मणि को ढूंढ पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भी कुछ शक्तियाँ दे दूंगा। पवन और भी लालच में आ जाता है और अपने मन में, ये तो कोई जादूगर लगता है, लेकिन बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, मुझे तो बस उस मणि तक पहुंचना है, इसके साथ मणि को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी इस डिवाइस से और तुम अपनी शक्ति से दोनों मिलकर उस मणि को ढूंढते हैं। और वहाँ राहुल एक जगह पर पहुंचकर उसे दूर से दिखता है कि एक बहुत बड़ा सांप वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और वो सांप उसके अंदर चला जाता है। राहुल ये देखकर, क्या ये वही जगह तो नहीं है जिसका वो सोने की बकरी बता रही थी, मुझे लगता है कि वो मणि इसी के अंदर ही होगी। और आखिरकार राहुल उस मणि को तलाश कर लेता है। वहां पर एक बहुत बड़ा सांप होता है। क्या मैं इस मणि को लेकर जा सकता हूँ। तुम इस मणि को क्यों ले जाना चाहते हो, राहुल उस सोने की बकरी का उस सांप को बताता है। लेकिन तुम इस मणि को कुछ समय के लिए ही लेकर जा सकते हो, समय पूरा होते ही ये मणि यहाँ पर खुद ही आ जाएगी। राहुल जल्दी से उस मणि को उस सोने की बकरी के पास ले जाता है और उसे जादूगर के पिंजरे से छुड़ाकर राहुल उस सोने की बकरी की दुनिया में जाकर तो वहीं शैतानी बकरी भी उसको देखकर हमला करने लगती है और वहीं राहुल भी
उस मणि को इस्तेमाल करता है, वो शैतानी बकरी बहुत कमजोर पड़ जाती है और वहीं पर ही नष्ट हो जाती है। बाद में राहुल जब अपने घर प्रकट होता है तो वो देखता है कि उसका घर सोने का बन गया था और एक गोल्डन गोड का स्टैचू भी ठहरा होता है। मैजिकल जायंट गोल्डन गोड थीव। एक दिन किसी जंगल में एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा प्रकट होता है। कुछ समय के बाद उसमें से एक बहुत ही विशाल सोने की बकरी निकलती है और उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी सोने की बकरियां होती हैं। वो वहां पर थोड़ा आगे जाते ही एक संदीप नाम के चरवाहा की बकरियां नजर आती हैं। वो विशाल गोल्डन बकरी और बाकी सारी गोल्डन बकरियां अपनी पावर मिलाकर संदीप की साधारण बकरियों को सोने की बकरियों में बदल देती हैं। उन्हें सोने में बदलने के बाद उन बकरियों को भी अपने साथ ले जाती हैं और वो दरवाजा गायब हो जाता है। संदीप बहुत डर गया था। वहीं संदीप, ये कैसे हो सकता है? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। लगता है ये किसी और दुनिया से आई थीं और ये तो सोने की थीं और मेरी बकरियां सोने में बदल कर अपने साथ ले गई। मेरे घर का पालन पोषण तो इन्हीं बकरियों की वजह से चल रहा था। संदीप घर जब आता है तो उसका बेटा गोलू उससे, पिताजी क्या हुआ, हमारी बकरियां कहाँ हैं और आप ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हैं? संदीप झूठ बोल देता है। कुछ नहीं बेटा, बस आज देर हो रही थी तो वहीं रास्ते में अपने दोस्त के घर ठहरा आया हूँ, क्योंकि रात का समय था। तुम चिंता मत करो, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। बाद में गोलू, कोई तो गड़बड़ लग रही है, सुबह इसका पता लगाना पड़ेगा। वैसे संदीप दोबारा वहीं अपनी जगह पर चला जाता है और उस गोल्डन बकरियों का इंतज़ार करने लगता है। अगर आज ये गोल्डन बकरियां आएंगी तो मैं भी इनके साथ उसी दरवाजे के अंदर चला जाऊंगा। वैसे कुछ टाइम गुजरने के बाद वही दरवाजा प्रकट हो जाता है और वहीं गोल्डन बकरियां निकलती हैं दूसरी साधारण बकरियों को ढूंढने के लिए। संदीप उनका वेट करता है और फिर से वो गोल्डन बकरियां कुछ और बकरियों को सोने में बदल कर वापस जा रही होती हैं। संदीप भी जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागता है और उसके अंदर चला जाता है और संदीप उनकी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है तो वो सारी बकरियां सोने की होती हैं। वो रानी बकरी उसे देख लेती है और वो संदीप से, ए मानव, तुम यहां पर कैसे आए हो? जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम यहां पर कुछ समय बाद खुद ही कैद होकर रह जाओगे। मैं अपनी बकरियों को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊँगा। तुमने कल मेरी बकरियों को सोने में बदल दिया था और यहाँ पर तुम उन्हें ले आए हो। कृपया करके मुझे मेरी बकरियाँ लौटा दो, मेरा घर का पालन पोषण उन्हीं की वजह से चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी बकरियाँ अब वापस नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि मुझे और भी 1000 बकरियाँ चाहिए एक युद्ध पर जाने के लिए। और वहाँ पर गोलू बहुत टाइम से अपने पिता संदीप का वेट कर रहा होता है। आज तो पिताजी भी नहीं आ रहे हैं, कहीं पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? मुझे जल्दी से जाना होगा। बाद में गोलू अपने एक दोस्त दीपक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वो उसी जंगल में चले जाते हैं। पिताजी को हर जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं वो ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी गोलू का दोस्त दीपक उन गोल्डन बकरियों को आते हुए देख लेता है। अरे गोलू, तुमने तो सच कहा था, वो देखो गोल्डन बकरियां, लेकिन ये तो एक दरवाजे के अंदर जा रही हैं। चलो इनके साथ ही चलते हैं। गोलू और दीपक भी भागते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वैसे बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोलू का पिता संदीप भी वहीं पर कैद होता है। दीपक बहुत डर जाता है। अरे गोलू, ये तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैद हैं, ये गोल्डन बकरियाँ तो बहुत खतरनाक लगती हैं, चलो जल्दी से अपने पिताजी को यहाँ से लेकर निकलो। वहीं संदीप, अरे तुम दोनों भी यहाँ पर इनका पीछा करते हुए आ गए हो, यहाँ पर तो बहुत खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी यहाँ पर कैद होकर रह जाओगे, और मेरी चिंता मत करो। गोलू अपने पिता को ले जाने की जिद करता है। बहुत टाइम गुजर जाता है और वो भी वहीं पर कैद हो गया। एक शर्त पर मैं तुम सभी को यहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे 1000 बकरियाँ लाकर दोगे तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। दीपक को बहुत लालच आ जाता है। दीपक का पिता रंगा सेठ, वो अपने पिता के पास जाकर,
आज तो पिताजी कमाल हो गया, मैंने उन गोल्डन बकरियों को देखा है। एक बकरी तो बहुत विशाल थी, हम उनकी दुनिया में चले गए थे, लेकिन उसने हमें 1000 बकरियां लाने का कहा है और कुछ इनाम देने का भी कहा है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं 1000 नकली बकरियां उसे दे दूंगा और लगता है वो बदले में मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक और प्लान भी है। वैसे रंगा सेठ 1000 नकली बकरियां लेकर उस जंगल में पहुंचकर उनका वेट करने लगता है, लेकिन इस बार वो जायंट गोल्डन बकरी अकेले ही आई थी और जब उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल की उनको सोने का बनाने की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उस बकरी को सब पता चल गया था। ये मेरे साथ तुम लोगों ने धोखा किया है, अब तुम सभी को मैं एक पुतला बना दूंगी। ये गोल्डन बकरी तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, इस पर अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस दूसरे प्लान में उसने गोल्डन बकरी को बेहोश करके वो रंगा सेठ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो एक व्यक्ति